हेलो गाइस, हमेशा की तरह आपका स्वागत है ऑनलाइन सर्विस यूट्यूब चैनल का एक नया और कमाल का एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिनो पेमेंट बैंक की ओर से आने वाला अपडेट। तो यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक अपनी ओर से अपडेट लाता रहता है। आप सभी को पता होगा कि फिनो पेमेंट बैंक में एक ऑप्शन मिलता है आपको, जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है, वो है AEPS कैश डिपॉजिट। हाथ का फिंगरप्रिंट लेके आप बैंक के में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक अपडेट आया है फिनो पेमेंट्स बैंक में। अगर आप हम लोगों का यूट्यूब चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि फिनो पेमेंट बैंक यहाँ पर अपने AEPS कैश डिपॉजिट 16 बैंक का AEPS कैश डिपॉजिट आप कर सकते थे पहले 16 बैंकों का, ठीक है। बट अभी नया अपडेट आया है फिनो पेमेंट्स बैंक की ओर से। कल ही ये अपडेट आया था, कल शाम को, बट हमने वीडियो नहीं बना पाया, रात हो गया तो वीडियो हम नहीं बना पाए। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक फिनो पेमेंट बैंक का CSP आईडी या फिर फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट आईडी नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द फिनो पेमेंट बैंक का आईडी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बैंक में जितने सारा सर्विस मिलता है वो सारा सर्विस इस बैंक में देखने को आपको मिल जाता है। साथ ही आप इंस्टेंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इंस्टेंट दे सकते हैं। तो अगर आपको फिनो पेमेंट बैंक का आईडी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और आपको यहाँ पर हम लोग फिनो पेमेंट बैंक का CSP आईडी दे देंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल फिनो पेमेंट बैंक ने और एक नया अपडेट आया है, जहाँ पर और भी 7 बैंकों को ऐड किया है। अभी ये 7 बैंक कौन सा है मैं आपको एक एक करके नाम बताते जाता हूँ। यहाँ पर 7 बैंकों का AEPS कैश डिपॉजिट अभी आप फिर से कर सकते हैं। पहले जो है आपको 16 बैंक दिया गया था AEPS कैश डिपॉजिट के लिए, अभी फिर से 6 बैंक को नया यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो वो कौन सा बैंक है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें है कनारा बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक है द गायत्री कॉर्पोरेट अर्बन बैंक। तो ये बैंकों का अभी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक में, ठीक है। अभी ये बैंकों को भी लाइव कर दिया गया है फिनो पेमेंट बैंक में। अभी जिनको कैश डिपॉजिट पता नहीं, मैं उनको बता दूं कि अभी जो आप कैश डिपॉजिट क्या होता है, आप मनी ट्रांसफर करते हैं किसी भी अकाउंट में, वही सेम सिस्टम है यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है AEPS कैश डिपॉजिट में, उल्टा आपको कमीशन दिया जाता है। यहाँ पर कैश डिपॉजिट में मैक्सिमम आपको 7 रुपीज तक कमीशन दिया जाता है। आप जो भी कस्टमर का कैश डिपॉजिट करेंगे, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, वो आपका आधार नंबर उनका आधार नंबर देगा आपको, आप यहाँ पर अपने आईडी में एंटर करेंगे आधार नंबर, उसके बाद वो बैंक अकाउंट बता देगा कौन बैंक सा बैंक अकाउंट है उनके पास, उसी बैंक अकाउंट में आप उनका फिंगरप्रिंट लेके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये फिनो पेमेंट बैंक की ओर से अभी नया नया अपडेट निकल के आया है कल ही। तो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू अपडेट दे दिया। यहाँ पर इन सारे बैंकों का लिस्ट में जो है टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा कि किन किन सा बैंक को लाइव किया गया है और पहले कौन सा था। वैसे हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाए थे कि जो 16 बैंकों का कैश डिपॉजिट आप कर सकते थे वो कौन सा बैंक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर से देख सकते हैं कि कौन सा बैंक है। और टेलीग्राम में तो मैं देता ही रहता हूं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे अपडेट हम वहां पर देते रहते हैं। तो उम्मीद है कि यह छोटा सा अपडेट फिनो की ओर से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपनी तरफ से एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए हैं तो, क्योंकि आगे भी इसी तरह का ट्यूटोरियल आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।